जय भोलेनाथ दोस्तों, जय। 7:54 हुई है, 7:54 AM, और आज 12 दिसंबर है और गुरुवार है। तो आज डेट में भी 3 है, मंथ की टोटल में भी 3 है और ईयर की टोटल में भी 3 है। और 3, मैं बोला ना, 3 नंबर ही गुरु का होता है। नंबर 3 न्यूमरोलॉजी में गुरु का होता है और आज गुरुवार भी है। तो आज मुझे लगता है बैंक निफ्टी कुछ अलग ही भाव ला के दिखाएगा, सबसे पहली बात। और सबसे पहले आज हम जो व्यूज़ देने की शुरुआत करने से पहले या रिकैप करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। विद्यासागर जी महाराज मेरे गुरुवर, उनको कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेवल्स रिकैप कर देता हूँ जो कल मैंने 3:30 वाले वीडियो में बनाया था। ये थे आपके बाई और सेल लेवल। तो बाई के तो काफ़ी ऊपर खुलने वाला मुझे लगता है आज, जैसा SGX दिखा रहा है तो बाई है। तो आज क्या रणनीति होनी चाहिए, देखिए 870 का तो अभी भूल जाइए। और बैंक निफ्टी में हमने दिया था कल, तो ये भी अबव 320 ही चालू होगा, तो कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो बाई में ही मार्केट खुलेगा, लेकिन हमने बाद में कल वीकली लेवल्स भी एक वीडियो बनाया था। वीकली लेवल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीकली लेवल्स जो कल मैंने बनाए थे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप देखिए सपोर्ट तो आपको पता ही है, कल मैंने वीडियो में भी बताया। आपने नहीं देखा होगा तो ये वीडियो रोज़ देखिए आप, तो जिस दिन मैं बनाता हूँ मतलब। और अब इमिडिएटली जो रेजिस्टेंस आएगा स्पॉट में, निफ्टी स्पॉट में 11,996, इसके आसपास आपको ध्यान देना। अगर इसके ऊपर मार्केट 15-20 मिनट और टिकता है, अबव 11,996, तो आप बाई में कंटिन्यू रहिए, वरना इसके आसपास आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अगर मार्केट इसके ऊपर टिकने में 15 मिनट ताकत नहीं दिखा पाता। मतलब यहाँ तक तो आना आज तय है, यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही। 996 स्पॉट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट स्पॉट के भाव, नॉट फ्यूचर्स। फ्यूचर्स तो खुलते ही 12,000 दिखाएगा। तो स्पॉट 996 आए, उस समय आप ध्यान दीजिए कि मार्केट वहाँ पे अटक रहा है क्या। अगर अटक नहीं रहा है, उसके ऊपर 15-20 मिनट ट्रेड कर रहा है, तो फिर आप 975 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, जो आपकी पोजीशन कल से कैरी है उसमें 970 का स्टॉप लॉस डाल के उसको कैरी रखिए, अगर इसके ऊपर 15 मिनट चल जाता तो। वरना यहाँ अटकता है तो आप एक बार पोजीशन को हल्की कर लीजिए, शॉर्ट मत करिएगा लेकिन हल्की कर सकते हो। तो ये है, और उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट हमारा 12,140 आता है। ये मैंने आपको कल के वीडियो में, शाम के वीडियो में बताया था। वैसे ही बैंक निफ्टी का भी जो वीकली लेवल्स जो मैंने कल 10 आवर्स का चार्ट पढ़ के, तो अभी हम 31,410 के ऊपर ही चलेंगे आज, तो हमारा अगला पड़ाव सीधा 31,900 है। कितना है? 31,900। तो या तो 410 पे रुकावट आए आज सुबह, तो आप देखिए 410 के ऊपर चल रहा है अगर मार्केट, आपको क्या करना है, अगर 31,410 के ऊपर मार्केट चल रहा है 15-20 मिनट से ज़्यादा, तो फिर आप 31,299 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। कितने का? 31,299, और कैरी रखिए जब तक कि 31,900 नहीं आता। और 31,900 अगर आ जाए आज ही, तो उस समय एक बार डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर इंट्राडे में मुझे डाउट लग रहा है। फिर भी यू नेवर नो कि 32,280, तो इसके ऊपर भी अगर 15-20 मिनट चले तो आप 32,280 का भी ख्वाब देख सकते हो। तो ये है आज की व्यूज़। और तो कल आप लोगों ने देखा ही था दोस्तों, मैंने ठीक 2:38 पे एक वीडियो बनाया था। ऐसा नॉलेज अगर आपको कोई और दिखा सकता है, पूरा यूट्यूब नहीं पूरे संसार में एक भी इंसान दिखा सकता है, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोले 2:38 पे, जब मार्केट एकदम बॉटम पे हो, कि 2:52 के बाद मार्केट जोरदार बढ़ेगा और निफ्टी 40 से 50 पॉइंट प्लस बंद करेगा, तो आप मुझे ज़रूर ऐसा इंसान दिखाइएगा। ऐसा नहीं, खाली तुक्का मारने वाला नहीं है, जिसकी बातें राइट भी होती हो, है ना। पूरा अकेला यूट्यूब में या पूरी इंडिया में मैं ही था जो कल
के बारे में परसों बोल चुका था कि कल गारंटीड ग्रीन क्लोजिंग है, परसों के वीडियो में भी बोल चुका था। तो इतना नॉलेज कैसे है, ये एक्सपीरियंस से आता है दोस्तों। आपको मालूम है मैं 18 आवर्स रोज लैपटॉप के पास बैठता हूँ, 18 आवर्स सुबह 7 बजे चालू हो जाता हूँ बैठना, और जब तक कॉमोडिटी मार्केट नहीं बंद होता, यानी कि आजकल तो 11:55 पे बंद होता है, 11:55 पे रात को, तब तक मेरा लैपटॉप सुबह से चालू रहता है और मैं कंटिन्यू बैठता हूँ। ऐसा भी नहीं कि आदमी बोल कोई आधा घंटा का रेस्ट ले लिया, मैं तब तक नॉन स्टॉप बैठता हूँ। इसका मतलब नहीं कि मेरे ट्रेड्स है, ट्रेड्स नहीं भी हो तो मैं अपनी रिसर्च स्टडी तैयार रखता हूँ और कुछ ना कुछ पैटर्न पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरी रूटीन 18 साल से चालू है, 18 ईयर्स। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का डेडिकेशन मेरा है और किस लेवल का पेशन मेरे अंदर है स्टॉक मार्केट का। आई मे बी रॉन्ग, मैं ऐसा नहीं बोलता कि एवरी डे मैं करेक्ट हूँ, क्योंकि मार्केट आपको रोज नई चीज़ें सिखा के जाता है। मार्केट इज ए वेरी ग्रेट टीचर, इट टीचेज यू एवरी डे समथिंग न्यू, बट आप गलतियों को दोहराए नहीं, यही मार्केट आपको सिखाना चाहता है। तो डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, कीप लर्निंग एवरी डे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जो लोग मेरी ट्रेनिंग भी लेते हैं, ये मत समझना कि प्रमोद जैन से सीख लिया तो मैं कल से एक्सपर्ट बन गया हूँ। एक्सपर्ट तो तुम मुझसे भी ज़्यादा बन सकते हो, मुझसे कई गुना 100 गुना ज़्यादा बन सकते हो, तुम्हारी प्रैक्टिस और लगन कैसी है, तुम्हारा डेडिकेशन कैसा है, उसको जो मैंने सिखाया उसको पहले पेपर ट्रेड पे कोशिश करो, उसको आप चार्ट्स के थ्रू मिलाओ। तो कल मुझे एक बंदे ने सवाल पूछा था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया कि मारुति आपने 22 क्यों दिया जबकि 13 और 34 दोनों के नीचे है ना, जो मैंने आप लोगों को कल सिखाया था। तो उस बंदे के लिए मैं ये जवाब दे रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, ताकि बहुत लोगों को जवाब मिल जाए। देखिए 13 और 34 के नीचे है, लेकिन आप देखो 50 के ऊपर भी चल रहे हैं, है ना, और 13 और 34 के नीचे आने के बाद उसमें सिग्निफिकेंटली डाउन साइड नहीं है, मतलब एक जो मोटी कैंडल बननी चाहिए वो नहीं बन रही, तो कहीं ना कहीं वो अपसाइड के लिए तैयारी कर रहा है। वो 34 के नीचे आया जरूर है, 3-4 दिन टिक भी गया है, लेकिन वो 50 के तरफ भी तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट तलाश कर रहा है। और यहाँ से वो 800 से 1000 पॉइंट की रैली इसी महीना दे सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर की हिस्ट्री मारुति की बताती है कि दिसंबर इज़ द मोस्ट स्लगिश मंथ फॉर द ऑटो कंपनीज, क्योंकि इस महीने सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है ड्यू टू द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो बहुत ज़्यादा लोग बाई नहीं करना चाहते इस समय कार्स या आप टू व्हीलर्स की भी बात कर लो, चाहे ऑटो सेक्टर में, तो वो भी लोग इसलिए नहीं बाई करते कि दिसंबर में बाई किया तो 2019 की गाड़ी मानी जाएगी, और जनवरी में बाई किया 1 तारीख को भी तो 2020 की गाड़ी मानी जाएगी। तो ये एक मेजर रीज़न होता है, इसीलिए कंपनियां इस महीने आप देखिएगा 20-20 हज़ार रुपये का गाड़ी पे डिस्काउंट रख देती है, आपको बहुत सारे ऑफर्स दिखेंगे। तो मैं तो बोलता कर लेना चाहिए, आप रीसेल की चिंता क्यों करते हो, जो खरीद रहे हो वो आपको अगर 25,000 रुपये सस्ता मिल रहा है तो ले लो। मारुति इस महीना बढ़ेगा, 5 जनवरी के बाद मारुति गिर सकता है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इस महीना बढ़ेगा ये मुझे लगता है, इसलिए मैंने कल दिया 34 के नीचे होने के बावजूद दिया, और मुझे लगता है आज ही वो 34 के ऊपर चला जाएगा ये मुझे। तो भाई आपका जवाब मिल गया होगा, लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, कौन सा कॉल आपके पास खड़ा है, मैं इसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे चैनल में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ दिस आर माई पर्सनल व्यूज़, ये डिस्क्रिप्शन आपको हर वीडियो में रहेगा, आप चेक कर लो, ये वाला डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर डालता हूँ हर वीडियो में, डिस्क्लेमर दिस आर जस्ट माई पर्सनल व्यूज़ है ना, ऐसा लिखता हूँ ना मैं हर वीडियो में, आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो में मिलेगा आपको। तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए भाई साहब, यहाँ मैं अगर 10,000 लोगों को बताऊँ तू इस कॉल में क्या कर, इस पुट में क्या कर, ये काम करने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, जनता के लिए एक यूट्यूब में वीडियो बना दे रहा हूँ, आपको फ़ायदा हो तो आपके घर ले जाइए पैसा, आपको नुकसान हो तो भी आप ही भुगतिए है ना। तो मुझे मत लिखा करिए, मैं फालतू में आपको ब्लॉक करता हूँ, मुझे दिल से दर्द होता है क्योंकि ये बंदा जरूर मेरा सब्सक्राइबर है, फिर भी मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो ऐसा काम मत करो, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली मेम्बर हो, जितना मेरा नॉलेज होता है मैं यूट्यूब में बांटने की कोशिश कर देता हूँ, आप मेरी ट्रेनिंग में आओ चाहे नहीं आओ दैट इज़ सेकेंडरी। तो इतना बड़ा दिल लेके बैठा हूँ दोस्तों, फिर क्यों परेशान करते हो यार, मैं अपने रिसर्च वर्क में रहता हूँ, अगर मैं सबका जवाब दूंगा तो मुझे एक दिन में
800-900 व्हाट्सएप रोज रिप्लाई करने पड़ेंगे, इज इट पॉसिबल? कोई बोलता सर मेरा अलग कर दीजिए, तो तू तू कोई स्पेशल बंदा, तू आमिर खान है, तू सलमान खान है या तू विराट कोहली है, तेरा जवाब दूँ? ट्रेड लेते वक्त तुम दिमाग लगाओ कि तुमको ये लॉस सहन होगा कि नहीं, स्टॉप लॉस तुम्हारे को ये वाला सहन होगा कि नहीं। अगर स्टॉप लॉस को झेल नहीं पाते हो तो ट्रेड मत करो। अपने दिमाग में एक बैट बिठा लो कि सौदा करते ये पहले सोचो कि ये स्टॉप लॉस हिट होगा। टारगेट के बारे में तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, स्टॉप लॉस पर गारंटी लेके चलो कि तुम्हारा हिट होगा, तो वैसा सौदा करो, तब तुम्हारे में ताकत है वो झेल लेगी, तब ट्रेडिंग में आओ। वरना पेपर ट्रेड करके अपने आप को पहले इस काबिल बनाओ कि आपको ट्रेड करो तो आपको लगे 100% बढ़ेगा। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।